सो गाइस, फिर से बात कर लेते हैं एक बार आइस स्क्रीम चैप्टर 8 के ट्रू एंडिंग के बारे में। तो लास्ट सैटरडे टीम कैप्टन्स ने एक नई न्यूज़ वीडियो शेयर करी है। उसमें काफ़ी सारी न्यूज़ टीम कैप्टन्स ने शेयर करी, जिसमें से मेजर न्यूज़ दो ही हैं, मतलब विच गाई चैप्टर 2 तो खैर आ ही रहा है, वो सबको पता है। इसके अलावा कैप्टेरियंस का जो न्यू गेम है उससे रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करी है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आज हम बात करेंगे आइस स्क्रीम 8 के बारे में। तो आइस स्क्रीम 8 का ये जो नया अपडेट आने वाला है, ये ट्रू एंडिंग होने वाला है। एंड इस ट्रू एंडिंग में हम लोग रॉड के राज से पर्दा उठाएंगे। साथ ही क्योंकि एक ट्रू एंडिंग है तो यहाँ पर ना एक नए टाइप का एस्केप देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। तो वो क्या हो सकता है, देखो जिस हिसाब से ये रूम लग रहा है ना, जिस रूम को टीम केबिन वाले यहाँ पर दिखाया है, पहली बात तो ये रॉड का बेस है, ठीक है, रॉड का मेन बेस जहाँ से ये आता है। तो ये वो वाला एरिया है जो कि टॉप सीक्रेट है इस फैक्ट्री का। और ये कहाँ पे हो सकता है भाई, ये भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है। इसको लेके मेरी दो तीन थ्योरी है, या तो ये एरिया एकदम ही कहीं अंडरग्राउंड में होगा, या फिर बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि ये जो एरिया है ना, ये रॉड के फेस मास्क वाली जगह पे है। जी हाँ, गैराज से जो लिफ्ट जाती है ऊपर, आई थिंक ये सबसे ऊपर जाके वहां पर ये कोई रूम बना हुआ है एंड यहीं पे रॉड रहता है, एंड यहीं से शायद हम लोग एस्केप भी करेंगे। तो क्या हम लोग सच में कोई बैलून एस्केप टाइप चीज़ आइस स्क्रीम में कर सकते हैं? वेल, मुझे ऐसा अभी भी नहीं लगता, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? एंड अगर हम लोग एस्केप करेंगे तो भाई कैसे एस्केप करेंगे इस बार? क्या कोई पुलिस ऑफिसर हमें सेव करने आएगा, या फिर हम लोग खुद ही रॉड की फैक्ट्री को ब्लास्ट करके यहाँ से जाएंगे, या फिर कुछ और? भाई कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर बताना, इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज होंगी आपके माइंड में, तो यस ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ ये जो न्यू गेम है, इसकी न्यूज़ अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।